नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। कानपुर में 4 युवकों द्वारा 14 वर्षीय किशोरी का कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवकों ने अलग अलग स्थान पर लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राहुल सोनकर और मिथुन सोनकर के रूप में हुई है, जबकि इस सिलसिले में संदिग्ध विक्की राउत और साहिल बाल्मीकि को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रायपुर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक पुलिस अधिकारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के कुटरू थाने के पदक्ष सहायक उपनिरीक्षक सनु माडवी ने अपने गृह ग्राम तुमला में फांसी लगाकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माडवी अपने गांव तुमला में गया हुआ था। वही तीसरी ओर आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुजरात के 29 सरकारी कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि पिछले 11 महीने के दौरान आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गुजरात सरकार के 29 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। इनमें श्रेणी 1 के अफसर, श्रेणी 2 के अफसर और 18 कर्मचारी श्रेणी 3 के हैं। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।